अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का लेसन स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब हम आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 11। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या होती है? होम्योस्टेसिस होती है, बैलेंस होता है मूवमेंट, मतलब हमारे अंदर जितने भी केमिकल्स हैं, ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट्स हैं, हर चीज़ का जो बैलेंस होगा उसे हम कह देंगे होम्योस्टेसिस। हमने ये पढ़ी थी कि होम्योस्टेसिस ह्यूमंस के अंदर तीन तरीके से होती है, ऑस्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन। उसके बाद हमने लास्ट टाइम पढ़ा था होम्योस्टेसिस प्लांट्स के अंदर किस तरह से होती हैं। उनमें हमने दो के बारे में पढ़ लिया था कि वो पानी को किस तरह से एक्सक्रीट करते हैं, पानी किस तरह से निकालते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड और जो ऑक्सीजन जब उनके अंदर ज़्यादा अमाउंट में हो जाती है तो वो उसे किस तरह से रिमूव आउट कर देते हैं। तो अब हम आगे पढ़ेंगे होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स। आज का लेसन स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले है रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्टेज। अब हमने मेटाबॉलिज्म होता है हमारी जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, हमने पढ़ा था कि हम जब प्लांट्स जो हैं वो एटीपी की सूरत में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जब वो एटीपी की सूरत में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं तो उनके कुछ ऐसे वेस्ट भी हो जाते हैं जो उन्हें अपनी बॉडी से बाहर निकालने होते हैं। तो जैसे हम लोग जब खाना खाते हैं, जब खाना जब अपने अंदर लेके जाते हैं तो उसके बाद वो मुंह से लेकर लार्ज इंटेस्टाइन तक वो खाने के अंदर से जितनी भी गजाइत होती है वो निकल जाती है। हालांकि पानी भी उस खाने में से निकाल लिया जाता है लेकिन बाद में वेस्ट बच जाता है जिसे हम अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, रेक्टम से फिर आगे एनस के ज़रिए से हम उसे एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। तो वो एक्सक्रीशन हो जाती है ह्यूमंस के अंदर। लेकिन अब प्लांट्स के अंदर भी जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है उनके अंदर कोई ऐसा स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है जिसके ज़रिए से वो एक्सक्रीशन का अमल करें। तो उनमें जो एक्सक्रीशन होती है वो किस तरह से होती है, यहाँ पर है प्लांट्स डिपॉजिट मैनी मेटाबॉलिक वेस्टेज इन देयर बॉडी एज हार्मलेस इनसॉल्युबल मटीरियल। वो वाले मटीरियल जो उनको नुकसान पहुँचाते हैं वो उनकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अब जो कम नुकसान पहुँचाते हैं वो उन्हें अपने ही बॉडी के अंदर स्टोर कर लेते हैं, अपनी बॉडी के अंदर उन्हें लैदा से स्टोर करते जाते हैं। उसके बाद है फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्सैलेट इज़ डिपॉजिटेड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स एंड स्टेम ऑफ मैनी प्लांट्स। एग्जांपल है यहाँ पे टमाटो। टमाटो के अंदर क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सैलेट। कैल्शियम ऑक्सैलेट एक वेस्ट है, वेस्ट केमिकल है जिसको उन्होंने प्लांट को इनकी ज़रूरत नहीं होती लेकिन फिर भी वो इसे अपने ही बॉडी के अंदर अपनी बॉडी के अंदर उसे स्टोर कर लेते हैं क्रिस्टल्स की शक्ल में। क्रिस्टल की शक्ल में, जैसे कलमे जिसे बोलते हैं उन्हें हम क्रिस्टल्स कहते थे, उनकी शक्ल में वो इन्हें स्टोर कर लेते हैं अपनी स्टेम के अंदर। और बाकी सब प्लांट्स भी ऐसे ही करते हैं लेकिन कुछ के स्पेसिफिक एग्जांपल है टमाटो की। उसके बाद है इन ट्रीज़ विच शेड देयर लीव्स ईयरली। जो ट्रीज़ होते हैं वो हर साल सालाना अपने जो पत्ते झड़ जाते हैं उनके, वो भी एक एक्सक्रीशन के तौर पे ही झड़ते हैं। दी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आर रिमूव फ्रॉम दी बॉडी ड्यूरिंग लीफ फॉल। जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट जो उनकी बॉडी के लिए हार्मफुल है और उसे वो अपनी बॉडी के अंदर डिपॉजिट नहीं कर सकते, स्टोर नहीं कर सकते, वो सालाना उसको क्या करते हैं, पत्तों जब झड़ते हैं उनके साथ साथ उन्हें भी गिरा देते हैं। अदर वेस्ट मटीरियल्स दैट आर रिमूव बाय सम प्लांट्स आर रिजाइंस बाय कॉर्निफेरस ट्रीज एंड म्यूसिलेज बाय कार्निवरस प्लांट एंड लेडी फिंगर। कार्निवरस प्लांट्स, हमने तो पढ़ा था कि कार्निवरस एनिमल्स होते हैं वो जो गोश्तखोर होते हैं, लेकिन यहाँ पर कार्निवर्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो एनिमल्स के ऊपर, कुछ इंसेक्ट्स के ऊपर अपनी जो गजाइत है वो कुछ इंसेक्ट्स से लेते हैं या उनसे लेते हैं, एनिमल से लेते हैं। तो उनके अलावा कुछ लेडी फिंगर्स होती हैं और यहाँ पर जो कुछ हैं वो मिसलेज के ज़रिए से या फिर रिजाइंस के ज़रिए से अपने जो क्रिएट है वो रिमूव कर देते हैं अपना मेटाबॉलिक वेस्ट। अब रिजाइंस क्या है और मिसलेज क्या है, आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। देखें फर्स्ट है आपके पास डायग्राम, हमने पहले पढ़ा था कि कुछ जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, ऐसे वेस्ट मटेरियल जो हार्मलेस हैं मतलब कम नुकसानदेह हैं, उन्हें प्लांट्स अपने ही अंदर डिपॉजिट कर लेते हैं। यहाँ पर आपको माइक्रोस्कोपिक पिक्चर दिखाई जा दे रही है। कैल्शियम ऑक्सैलेट इज डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स ये लंबी लंबी सी जो लाइन्स हैं ये कलमे हैं, इन्हें क्रिस्टल्स कहते हैं। क्रिस्टल्स की शक्ल में कैल्शियम ऑक्सैलेट जो है वो बॉडी के अंदर स्टोर है। इस तरह से जो कैल्शियम ऑक्सैलेट है वो उनकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये भी मेटाबॉलिक वेस्ट है। उसके बाद है ट्रीज़ विच शेड देयर लीव्स ईयरली। अब कुछ जो हैं प्लांट्स जो हैं वो अपने
पत्ते जो हैं सालाना झड़ जाते हैं, उनके पत्ते साल बाद वो झड़ जाते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि लीव्स जो हैं वो नीचे गिरे हुए हैं, तो वो उनके जरिए से जो प्लांट्स हैं वो अपने जो मेटाबॉलिक वेस्ट हैं वो ईयरली हर साल बाद सालाना उनको पत्तों के ज़रिए से वो उनको एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। अब यहाँ पर है आर राइजन्स बाय कॉनिफेरस ट्रीज़। अब राइजन्स ये देखें आप, यहाँ पर ट्रीज़ में कुछ ये गम की तरह का जो मटेरियल होगा, गमी मटेरियल जो है वो बाहर निकलेगा कतरों की शक्ल में, या फिर ये और किस्म से भी निकल जाएगा। कई दफ़ा ये मिल्की प्रोडक्ट जैसे दूधिया शक्ल होती है इसकी, उस तरह का होता है ये कॉनिफेरस प्लांट्स के अंदर से निकलता है, तो इसे हम कह देते हैं रेजन्स। उसके बाद है म्यूसीलेज। म्यूसीलेज होता है, अब ये देखें आप यहाँ पर, आप देखें कॉर्निवर्स प्लांट्स एंड लेडी फिंगर्स, इनके अंदर से जब वो कॉर्निफेरस प्लांट्स होते हैं, इनके जो बाहर जो ड्रॉपलेट्स नज़र आ रहे हैं आपको बाहर, जिस तरह से कॉर्निवर्स प्लांट्स जो हैं वो ऐसे इंसेक्ट्स पर, फ्लाइज पर, इनको अपने अंदर जकड़ लेते हैं और फिर इनको अपने ही अंदर इनको बिल्कुल जैसे कहते हैं कि इन्हीं से अपनी फूड जो है, एनर्जी जो है इनसे ले लेते हैं, तो वो अपना वेस्ट मटीरियल इस तरह से रिमूव आउट करते हैं। जैसे आपको ड्रॉपलेट्स नज़र आते हैं, इसे हम म्यूसीलेज कह देते हैं। आगे है ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स। ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट किस तरह से होती है, ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल प्लांट। ऑस्मोसिस कहते हैं वाटर का या लिक्विड का एक हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना। अब ऑस्मोसिस किस तरह से प्लांट के अंदर होती है, अब किस तरफ हायर कंसंट्रेशन और पानी कहाँ से किस तरफ को जाएगा, सेल के अंदर जाएगा या प्लांट सेल से बाहर जाएगा, तो वो हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल अमाउंट ऑफ वाटर एंड साल्ट। जितना पानी एक पौधे को मुहैया हो रहा है उसके हिसाब से प्लांट्स आर डिवाइडेड इंटू थ्री ग्रुप्स। तीन ग्रुप्स में हम इसे डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स आर प्लांट्स विच लिव कम्प्लीटली और पार्शली समर्ज्ड इन फ्रेश वाटर। हाइड्रो प्लांट्स जो होते हैं वो ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, तकरीबन वो उनके अंदर समर्ज्ड कह देते हैं, बिल्कुल डूबे होना, बिल्कुल इस तरह से होते हैं कि आधे या ज़्यादातर वो बिल्कुल पानी के अंदर, फ्रेश वाटर के अंदर होते हैं। सच प्लांट्स डू नॉट फेस दी प्रॉब्लम ऑफ वाटर शॉर्टेज। इन प्लांट्स को बिल्कुल भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती कि यहाँ पर पानी की कमी हो, क्योंकि वो रहते ही पानी के अंदर हैं। दे हैव डेवलप मैकेनिज्म फॉर द रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर फॉर देयर सेल्स। इनके अंदर एक पूरा एक मैकेनिज्म होता है जिसके ज़रिए से ये जो अपने अंदर प्रेजेंट जो इनके पास एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर है उसे वो निकाल देते हैं अपने सेल से। हाइड्रोफाइट्स हैव ब्रॉड लीव्स विद अ लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा ऑन देयर अपर सरफेस। अब देखें अगर हम लोगों को ये इस चीज़ के बारे में पता हो कि जितनी ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा एवेपोरेशन रेट भी ज़्यादा होता जाएगा। एवेपोरेशन ये होता है कि मॉलिक्यूल्स का, वाटर के मॉलिक्यूल्स का या लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का सरफेस से भाप की शक्ल में उड़ जाना, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो उन्होंने कहा है कि जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं उनके जो लीव्स होते हैं, जो उनके पत्ते होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, उनके ऊपर जो सरफेस के ऊपर जो पानी होते हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ जो उनके पास वाटर होती है वो उस लीव के सरफेस तक ले जाते हैं और वहाँ से वो फिर एवेपोरेशन ज़्यादा होती है। जितना ज़्यादा ब्रॉड लीव होगा, जितना ज़्यादा बड़ा पत्ता होगा उनका, उतनी ही जल्दी उनके साथ एवेपोरेशन होगी और फिर उतनी ही जल्दी वो अपने जो उनके पास एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर है उस वो से रिमूव कर देंगे। दिस करेक्टरिस्टिक्स हेल्प देम टू रिमूव दी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर। इस करेक्टरिस्टिक्स की क्या करेक्टरिस्टिक थी उनकी, के उनके जो पत्ते थे उनका सरफेस एरिया ज़्यादा था, तो इस वजह से जो पानी था वो वहाँ पत्तों के जरिए, जो स्टोमेटा थे पत्तों में, हमने पढ़ा था कि पत्तों के अंदर जो स्टोमेटा होते हैं वहाँ के ज़रिए से रिमूवल ऑफ गैसेस और रिमूवल ऑफ वाटर होता है। तो रिमूवल ऑफ वाटर किसके ज़रिए से हो रहा था, ट्रांसपिरेशन और वेपोरेशन के ज़रिए से। जो ट्रांसपिरेशन हो रही थी वो इस तरह से होगी कि जितना ज़्यादा उसका सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा वो उतनी ज़्यादा वेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन रेट बढ़ता जाएगा, तो इस ज़रिए से जो अमाउंट ऑफ, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर थी उनके अंदर वो रिमूव हो जाती है। दी मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट इज़ वाटर लिली। वाटर लिली जो है सबसे कॉमन एग्जाम्पल है। यहाँ पर यह आपको हाइड्रोफाइट की एक एग्जाम्पल दिखाई जा रही है। इसमें जो इनके लीव्स हैं, ये साइड्स पर इनके लीव्स दिखाई दे रहे हैं आपको, ये बिल्कुल पानी के ऊपर या पानी के अंदर होती हैं, आधे पानी के अंदर या पानी के ऊपर होती हैं, तो इनके अंदर पानी की कभी भी कमी नहीं होती। तो फिर इन्हें पानी, ये तो नहीं होगा कि इन्हें पानी लेने में मुश्किल होगी, सिर्फ पानी को जो एक्स्ट्रा वाटर हो जाएगा इनके अंदर उसे रिमूव करने में प्रॉब्लम होगा, तो उसके रिमूव करने के लिए भी इनके पास मैकेनिज्म है। वो क्या है कि ये अपने जो इनके जो पत्ते होते हैं वो बड़े हो जाते हैं, और जब पत्ते बड़े होते हैं उनका सरफेस एरिया बढ़ता है तो वहाँ से ट्रांसपिरेशन एवेपोरेशन रेट बढ़ जाता है और फिर जो रिमूव एक्स्ट्रा वाटर होता है वो वहाँ से रिमूव हो जाता है। नेक्स्ट है ज़ीरोफाइट्स। ज़ीरोफाइट्स क्या होते हैं, ज़ीरोफाइट्स लिव इन ड्राई एनवायरनमेंट।
ऐसे पौधे जो ड्राई बिल्कुल सूख खुश्क इन्वायरमेंट में रहते हैं. दे पोजेस थिक वैक्सी क्यूटिकल ओवर देयर एपिडर्मस टू रिड्यूस वाटर लॉस फ्रॉम इंटरनल टिश्यूज. अब हमने पढ़ा था कि एपिडर्मस के अंदर जो होते हैं एपिडर्मस मीजोफिल जो सेल्स होते हैं, एपिडर्मस और मीजोफिल सेल्स के दरमियान कुछ पोर्स होते हैं और बाहर वाली साइड पर जो लिटल स्टेम्स होती हैं उनके साइड्स पर स्टोमेटा होते हैं, जिसके ज़रिए से क्या होता है पानी का लॉस होता है और गैसेस का लॉस होता है. तो ये जो पौधे होते हैं इनके जो बाहर वाली तह होती है वहाँ पर बहुत सख्त क्यूटिकल होती है. क्यूटिकल बाहर की तह को कहते हैं. तो वो वैक्सी होती है. वैक्सी क्यों होती है? ताकि अगर ऊपर वाली जगह पर अगर वो जैसे हम एक बिल्कुल एक वैक्स उसको कर लेंगे, चिपचिपा मटीरियल लगा लेंगे वहाँ पर, तो वहाँ से पानी का जो निकलना है वो कम हो जाएगा. तो उन्होंने यही उनके अंदर अडाप्टेशन है कि उन्होंने अपनी एपिडर्मस के जो बाहर है उसकी जो थिक को बहुत मोटी और वैक्सी उन्होंने क्यूटिकल बना ली है ताकि जो पानी है वो कम से कम निकले. दे हैव लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा और टू रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपरेशन. अब उनके अंदर स्टोमेटा के जो नंबर होते हैं वो बहुत कम होते हैं. लीव्स के अंदर हमने पढ़ा था कि स्टोमेटा के नंबर होते हैं, स्टोमेटा होते हैं वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं जिनके ज़रिए से गैसेस एक्सचेंज होती है और वाटर का लॉस होता है जिसे हम ट्रांसपरेशन कहते हैं. लेकिन जब उनके स्टोमेटा के नंबर कम हो जाएंगे तो उनके अंदर ट्रांसपरेशन का रेट जो होगा वो भी बहुत कम हो जाएगा. सच प्लांट हैव डीप रूट टू अब्जॉर्ब मैक्सिमम वाटर फ्रॉम सॉइल. इन ये जो प्लांट्स होते हैं इनकी जो रूट्स होती हैं, हमने ये पढ़ा था कि जो सॉइल है वहाँ से वाटर भी लेते हैं प्लांट्स, न्यूट्रिएंट्स भी लेते हैं और उन वहाँ से गैसेस एक्सचेंज भी होती है. लेकिन जब वहाँ पर उनके जब पानी की शॉर्टेज होगी, बाहर ड्राई एनवायरनमेंट है, पानी कम है, तो वो क्या करेंगे कि उनकी जो रूट्स होंगी वो बहुत गहरी होंगी, नीचे तक गई हुई होंगी. उनके ज़रिए से वो ज़्यादा से ज़्यादा नीचे से जो वाटर होगा उसे सॉइल से अब्जॉर्ब कर लेंगे. सम ज़ीरोफाइट्स हैव स्पेशल पेरेन्काइमा सेल्स इन स्टेम और रूट इन विच दे स्टोर लार्ज क्वान्टिटी ऑफ वाटर. पेरेन्काइमा सेल्स वो होते हैं जिनके अंदर पानी को स्टोर किया जाता है. तो इनके अंदर बहुत बड़े होंगे स्पेशल तरीके के पेरेन्काइमा सेल्स होंगे स्टेम्स के अंदर और रूट्स के अंदर, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में वाटर को स्टोर कर सकेंगे. दिस मेक दे स्टेम और रूट वेट एंड जूसी गार्ड सर्कुलेंट ऑर्गन. कैक्टाई आर द एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट. जो ये इस ऑर्गन की वजह से, इस वजह से कि उनके अंदर पेरेन्काइमा सेल होंगे तो वो बहुत ज़्यादा अपने अंदर वाटर को स्टोर कर लेंगे, तो उनका जो स्टेम होगी और रूट होगी वो बहुत जूसी होगी. उनके अंदर से अगर हम उसे कट करेंगे तो वो उसके अंदर से जूस सेक्रेट होगा, पानी निकलेगा, क्योंकि उन्होंने तो पेरेन्काइमा सेल में पानी को स्टोर किया हुआ था. तो वही जो सर्कुलेंट होगा, सर्कुलेंट ऑर्गन हम उसे कहेंगे, क्योंकि उसके अंदर से वाटर और वेट पानी होगा या जूस उसके अंदर होगा. कैक्टाई जो है वो एग्जांपल है ऐसे प्लांट्स की, जैसे यहाँ पर ज़ीरोफाइट से आपको सामने दिखाई दे रहा है, इनमें कैक्टाई है. इनकी बाहर वाली जगह पर देखें तो वो बहुत हार्ड, इनके बाहर साइड पर क्यूटिकल की लेयर है और साथ में उसके यहाँ पर वहाँ कांटे भी हैं. तो ये जो है इनको इसकी ट्रांसपरेशन के रेट को कम करते हैं. और उसके अलावा इनके लीव्स नहीं होते, लीव्स नहीं है यहाँ पर देखेंगे, और होंगे भी तो बहुत छोटे होंगे. क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो जितना वो छोटा होगा, जैसे हमने पढ़ा था कि हाइड्रोफाइट्स में क्या होता था कि उनके जितना बड़ा लीव होगा, जितनी ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, उतनी आसानी से वाटर का रिमूवल होगा. लेकिन यहाँ पर उन्हें पानी नहीं मिल रहा, इन पौधों को पानी नहीं मिल रहा, तो उनके अंदर जो लीव होगा वो कम होगा या लीव के सर्फेस एरिया बहुत कम होगा और वहाँ पर स्टोमेटा के नंबर भी कम होंगे ताकि वो यहाँ से वाटर को रिमूव ना कर सकें. नेक्स्ट है हेलोफाइट्स. हेलोफाइट्स क्या करते हैं? हेलोफाइट्स लिव इन सी वाटर एंड आर अडॉप्टेड टू साल्टी एनवायरनमेंट. हमने हाइड्रोफाइट्स और हेलोफाइट्स में अगर आप डिफरेंट देखें तो हाइड्रोफाइट्स जो थे वो थे जो आधे या थोड़े से अंदर पानी के अंदर होते हैं, लेकिन बिल्कुल अंदर तह में नहीं होते. लेकिन जो हेलोफाइट्स हैं वो बिल्कुल पानी के अंदर होते हैं, बिल्कुल पानी के डीप सी में होते हैं. यहाँ पर जो होते हैं उन्हें अडॉप्टेशन करनी पड़ती है साल्टी एनवायरनमेंट से. सी के अंदर हमें पता है साल्ट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, लेकिन जो हाइड्रोफाइट्स थे वो कहाँ थे? फ्रेश वाटर के अंदर. अब जो हेलोफाइट्स हैं वो सी एनवायरनमेंट में हैं, तो वहाँ पर उन्हें साल्ट की क्वांटिटी से देखना पड़ेगा, अपने अंदर अडॉप्टेशन करनी पड़ेगी. साल्ट एंटर इन दी बॉडीज़ ऑफ सच प्लांट ड्यू टू देयर हाई कॉन्सेंट्रेशन इन सी वाटर. जो साल्ट है वो एंटर होता है बॉडी के अंदर क्योंकि जो उनकी जो प्लांट की जो प्लांट की जो कंसंट्रेशन है उनके अंदर भी सी वाटर के अंदर भी साल्ट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, इसीलिए जो प्लांट्स की बॉडी है उनके अंदर भी फिर साल्ट की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है. दूसरी तरफ अगर हम देखें तो वाटर टेंड टू मूव आउट ऑफ देयर सेल्स इनटू द हाइपरटोनिक सी वाटर. तो इसी तरह से क्या होता है, वो वाटर जो होता है जो इनके अंदर प्लांट्स के अंदर हाइलोफाइट्स के अंदर होता है वो मूव आउट करता है अपने सेल से बाहर की तरफ वाटर किसी सी वाटर की तरफ. व्हेन साल्ट एंटर इनटू सेल्स, जो जब साल्ट जो है सेल के अंदर आता है, प्लांट कैरियर और एक्टिव ट्रांसपोर्ट टू मूव
एंड होल्ड लार्ज अमाउंट ऑफ साल्ट इन वैक्यूल्स. तो क्या करते हैं कि वो पानी को अपने अंदर रहने देते हैं, जो वो क्या करते हैं कि वो ट्रांसपोर्ट करते हैं और अपने जो साल्ट है उसे अपने अंदर, जो वैक्यूल्स होते हैं वो वेस्ट मटेरियल्स को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं, तो वो साल्ट को वहाँ पर स्टोर कर लेते हैं. साल्ट आर नॉट अलाउड टू मूव आउट थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल्स. अब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होती है जो कुछ चीज़ों को अपने अंदर से बाहर जाने देती हैं, कुछ चीज़ों को अपने अंदर आने देती हैं किसी भी सेल के अंदर. तो अब जो प्लांट्स के सेल हैं उनकी जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है वैक्यूल की, वहाँ से जो साल्ट है वो बाहर नहीं निकल सकता. सो दी सैप ऑफ वैक्यूल रिमेन इवन मोर हाइपरटोनिक देन सी वाटर. तो जो वैक्यूल होता है उसका जो सैप, सैप कहते हैं लिक्विडी मटीरियल को, जूसी मटीरियल को, उसका जो वो जूसी मटीरियल होता है वो बहुत ज़्यादा उनके अंदर क्वान्टिटी के अंदर साल्ट होता है. क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर सारा का सारा जो है वो सी वाटर का जो साल्ट है वो जितना भी वहाँ से उसने प्लांट ने लिया था वो सारा उसके अंदर प्रेजेंट होता है. इन दिस वे वाटर डज नॉट मूव आउट ऑफ सेल. इस जरिए से जो पानी है वो बाहर नहीं निकल सकता सेल से. मैनी सी ग्रासेस आर इंक्लूड इन दिस ग्रुप ऑफ प्लांट. बहुत सी सी ग्रासेस जो हैं वो इन्हीं ग्रुप से रिलेट करती हैं, हेलोफाइट से. जैसे यहाँ पर आप देखें कि ये ग्रासेस हैं, ये बिल्कुल सी वाटर के अंदर से उग रही हैं. तो यहाँ पर भी साल्ट की कंसनट्रेशन जो होगी वो ज़्यादा होगी, इसलिए जो वाटर होगा वो बाहर नहीं निकलेगा जब उनके अंदर आ जाएगा, प्लांट के बॉडी के अंदर आ जाएगा. तो ये आज का आपका काम था जिसमें हमने पढ़ा था कि सबसे पहले हमने पढ़ा था तीन तरीके से रिमूवल होती है, होमोस्टेसिस होती है प्लांट के अंदर. सबसे पहले उनकी कार्बन डाइऑक्साइड, जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन होती है वो रिमूव होती है. उसके बाद जो उनके अंदर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर है वो किस तरह से रिमूव होती है, और उसके अलावा जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं वो किस तरह से रिमूव होते हैं. और उसके बाद हमने पढ़ा था कि ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट किस तरह से होती है वाटर की प्लांट्स के अंदर. तो उनमें उसकी तीन को इस पे बेसिस पे डिवाइड किया गया था. सबसे पहले थे हाइड्रोफाइट्स जो पानी के अंदर, फ्रेश वाटर के अंदर रहते हैं. उसके बाद ज़ीरोफाइट्स जो ड्राई एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं, और हेलोफाइट्स जो सी वाटर के अंदर रहते हैं. तो इनके अंदर अलग-अलग से अडॉप्टेशन थी. जो सी वाटर के अंदर रहते थे उन्हें अपना जो साल्ट था उसके लिए अडॉप्टेशन करनी थी कि साल्ट की कंसनट्रेशन जो पानी के अंदर सी वाटर के अंदर ज़्यादा होती है, इसलिए वो उसको साल्ट को अपने अंदर वैक्यूल्स के अंदर स्टोर कर लेते हैं. तो दूसरे में ज़ीरोफाइट्स थे, वो ड्राई एनवायरनमेंट में रहते थे तो उन्हें पानी की कमी थी, उन्हें पानी नहीं मिल रहा था बाहर से. तो उन्होंने अपनी जो सरफेस था, सरफेस एरिया था लीव्स का, उन्हें कम किया और अंदर स्टोमेटा के नंबर कम किए, और उसके अलावा क्या किया था, अपने रूट्स को डीप कर दिया था. और उसके बाद जो हाइड्रोफाइट्स हैं उनमें क्या हुआ था कि उनके अंदर वाटर की क्वांटिटी बिल्कुल ठीक थी, उन्हें वाटर का कोई प्रॉब्लम नहीं था, पानी उन्हें मिल रहा था और फ्रेश वाटर मिल रहा था, साल्ट का भी कोई मसला नहीं था. तो जो रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर था उसके लिए मैकेनिज्म था कि उन्होंने अपने जो लीव्स थे उन्हें बढ़ा कर लिया था, लीव्स के सरफेस एरिया को बढ़ा कर लिया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपिरेशन हो और वहाँ से वाटर का लॉस होता रहे. ये आपका आज का काम था. तो इसमें इसके मैंने एक्सप्लेनेशन किया. अगर आपको इसमें से कोई भी प्रॉब्लम हो या किसी क्वेश्चन की समझ ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. अल्लाह हाफिज़.